नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान पर आईएमएफ का चाबुक चल गया है। चाबुक भी ऐसा चला कि पाकिस्तान अब नीलाम होने की दहलीज पर खड़ा है। अगर उसने जल्दी ही ठोस कदम नहीं उठाए तो उसका दिवाला कभी भी निकल सकता है। वैसे दिवाला निकलने में अब कुछ बाकी भी नहीं रहा है। इमरान ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की जमीनें बिकाऊ हैं, खरीदार आए और बोली लगाना शुरू करें। पाकिस्तान को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि आईएमएफ ने अपना कर्ज प्रोग्राम खत्म करने की धमकी दे दी है। आईएमएफ ने साफ कहा है कि अगर इन हालातों में पाकिस्तान को कर्ज दिया गया तो उसके पास उसे लौटाने का कोई जरिया नहीं है। इसका मतलब यह है कि इमरान लोंडा जिस आईएमएफ के भरोसे तैमन छाप लोगों पर खजाना लुटा रहा था, उसने पाकिस्तान के नीचे से दरी खींच ली है, जिसके बाद अब मुल्ला मुल्क घुटनों पर आ गया है। इमरान ने आईएमएफ को खुश करने के लिए पाकिस्तान की जमीनें बेचने का फैसला किया है। लोंडे को उम्मीद है कि इससे पाक के खजाने में $15 अरब आएंगे। यह जमीनें विदेशी कंपनियों को बेची जाएगी या इन्हें चीन खरीदेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल यही दिखलाया जा रहा है कि यह स्कीम एनआरआई पाकिस्तानी टोपीबाजों के लिए है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि इमरान सरकार ने नए टैक्स नहीं लगाए और बजट को उसके मन मुताबिक नहीं बनाया तो पाक उससे कर्ज की उम्मीदें छोड़ दे। आईएमएफ ने साल 2020-21 के लिए 5100 अरब रुपए के टैक्स का लक्ष्य दिया है। पाक का बजट खजाना जीडीपी का 0.4 जबकि कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 2700 अरब रुपए तय करने को कहा है। खास बात यह है कि महंगाई से जूझते पाकिस्तान के लिए तशरीफ पर बड़ी मार साबित होने वाली है, क्योंकि 5100 अरब रुपए हासिल करने के लिए उसे 800 अरब रुपए के अतिरिक्त टैक्स लगाने होंगे। यदि उसने ऐसा किया तो मदरसा कौम के तहमत फटकर हीरा मंडी की चिलमन पर जा लटकेंगे। पर मामला यहां तक नहीं है। दिवालिया होने की दहलीज पर खड़े पाकिस्तान के लिए मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदतरीन बदहाली का शिकार है और सालों तक उसके पटरी पर आने की उम्मीद नहीं है, इन हालातों में आईएमएफ का यह कदम उसकी हालत और भी पस्त कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 15 महीने में पाकिस्तान ने 11,610 अरब रुपए का विदेशी कर्ज लिया है, जबकि घरेलू कर्जों में भी 746 अरब रुपए की वृद्धि हुई है, जो पिछले साल 4,856 अरब रुपए था। यानी पाकिस्तान का पोर पूरी तरह कर्ज में डूब चुका है, जबकि यहाँ के आवाम की सांसें भी एक प्रकार से कर्ज के पैसे से चल रही है। हालांकि कोरोना वायरस के मद्देनजर इमरान ने कहा था कि बिजली और गैस के दामों में रिलीफ दिया जाएगा, मगर यह आईएमएफ के चाबुक का ही असर है कि बिल घटने की बजाय पहले से ज्यादा बढ़े हुए आए हैं। लोंडे ने तेल के दामों में कमी करके खजाने को जो चपत लगाई, उसने भी पाक की नैया डगमगा दी है। आशंका है कि पाकिस्तान में तेल के दाम एक बार फिर से एशिया में सबसे ऊपर जा सकते हैं। अंडे, भैंसे, मुर्गी और जैतून के तेल की मालिश करवाने के बाद अब जमीन बेचकर अर्थव्यवस्था चलाने का कारनामा मदरसे का एलोंडा करने जा रहा है। वैसे जो लोग दया नर्तक करने के लिए चौराहों पर निकलते थे, उनके लिए मुश्किल आ सकती है, क्योंकि कौन सा चौराहा नीलाम हो जाएगा इसका आभास उन्हें तशरीफ पिटवाने पर ही पता लगेगा। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इमरान लोंडे ने रैकोदी खान और सेना नमक की खानों तक को बेचने का फैसला कर लिया है। वित्त मंत्री हफीज शेख का अनुमान है कि इन संपत्तियों को बेचकर आईएमएफ की कठोर शर्तों से टोपीबाजों को बचाया जा सकता है। पर लगता नहीं है कि इन लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है। पाकिस्तान को अगले 2 महीने में $11 अरब 30 करोड़ का कर्ज चुकाना है, जिसमें चीन के $3 अरब 20 करोड़ के अलावा पाकिस्तान में बिजली उत्पादन कंपनियों की देनदारी है। ये सभी पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे चुके हैं, इसलिए इमरान सरकार को हर हाल में आईएमएफ के पास जाना ही पड़ेगा। अगर पाकिस्तान आईएमएफ के दरवाजे पर गया तो यकीनन तैमन उतरवा कर ही वापस लौटेगा। पर बावजूद इसके पाक में चीन की खिलाफत करने वाले एक वर्ग को अंदेशा है कि पाकिस्तान की मजबूरी का फायदा चीन उठा सकता है। बहुत पहले से उसकी नजर सोने की रैकोदी खानों पर लगी हुई है, जिसके ठेके हासिल करने के लिए वह पाकिस्तान पर दबाव भी बनाता रहा है। इमरान लोंडे ने अपने जिन अधिकारियों को पाकिस्तान में जमीन तलाश करने का जिम्मा सौंपा है, चीन ने उन पर अभी से नजरें गड़ा दी है। साथ ही चीन पाक दोस्ती के नाम पर भोंडे गान भी शुरू हो गए हैं। चीन ऐसा करके पाकिस्तान की पीठ पर घी का लेप चढ़ा रहा है, यानी तरक्की की जिस पूंछ पर लटक कर पाकिस्तान तैर रहा है, वह चीन के सागर में फंस चुकी है, जहां पाकिस्तान पार होने की बजाय डुबकी लगाता ही दिखाई देगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।